आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने एक आइडिया के साथ इस चैनल को शुरू किया था। तब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके बाद में नहाते हुए मुझे ये आइडिया आया कि यार एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पर सिर्फ 1 मिनट या 90 सेकेंड के अंदर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए या किसी को एक विजडम दे दिया जाए जो कि बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही पावरफुल होगा। मुझे ये आइडिया आया और उसके बाद में मैं नहा करके बाहर निकला और सिर्फ टॉवल में बैठ करके मैंने इस चैनल की पहली स्क्रिप्ट लिखी थी। जी हाँ, टॉवल में बैठ करके मैंने चैनल की पहली स्क्रिप्ट लिखी और मैंने खुद को ये वादा किया कि यार इस चैनल को मैं जल्द से जल्द शुरू करूँगा। और मैंने उसके लिए पूरी तैयारी करी। शाम होते होते, रात होते होते मैंने चैनल के लिए पूरी तैयारी कर ली, वीडियो पब्लिश कर दिया, वीडियो को पोस्ट कर दिया और अगले दिन के लिए वीडियो पब्लिश भी कर दिया। और तब खुद को ये वादा भी किया था कि यार कुछ भी हो जाए, अब अगले 6 महीने तक चाहे मैं सफल हूँ या ना हूँ, मैं एक वीडियो हर दिन इस चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। और अगर आप लंबे वक्त से इस चैनल से जुड़े हैं या आप शुरू से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने करीब 200 वीडियोज बनाए थे लगातार वीडियो पोस्ट करने के पहले। तब तबीयत खराब हुई, दूसरी परेशानियाँ आईं, फैमिली की परेशानियाँ थी, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैं लगातार वीडियो पोस्ट करते रहा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को एक वादा किया था कि मैं हर दिन एक वीडियो पोस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। और मैंने वो काम किया था। पर उसके बाद मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम हुई थी, मोनेटाइजेशन शुरू नहीं हो पा रहा था तो मैंने वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दिया। लेकिन खुद को ये वादा किया था कि जिस दिन मोनेटाइजेशन चालू होगा उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन, मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा और लगातार वीडियो पोस्ट करता रहूंगा कभी बंद ना करने के लिए। 13 दिसंबर 2018 को मोनेटाइजेशन चालू हो गया इस चैनल का। 14 दिसंबर से वीडियो आना शुरू हो गए और तब से लगातार किसी भी हालात में मैं एक वीडियो पोस्ट करता ही करता हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि यार ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो वो बताने के 3 कारण हैं। मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई एक ऐसा आइडिया है जो आपको अपने कपड़े तक ना पहनने दे, या कोई ऐसा आइडिया है जो बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा हो, तो उसके लिए किसी और का ओपिनियन मत लीजिए। किसी से मत पूछिए कि यार मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो जस्ट डू इट। मत सोचिए कि कोई और क्या कहेगा, क्योंकि लोग हमेशा आपकी फ्रिक्वेंसी से अलग जा करके सोचेंगे। तो आप उस काम को कर डालिए अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने भरोसे से। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जितना जल्दी हो सके उस आइडिया पर आप एक्शन लीजिए, या इनफैक्ट आपको तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उसको आइडिया से इम्प्लीमेंट कर दीजिए और एक सच्चाई में बदल दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो तीसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि खुद को एक वादा करिए कि भाई कुछ भी हो जाए, अगले इतने महीनों तक मैं सफल हूँ या ना हूँ, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं इस आइडिया के लिए काम करता रहूँगा, अपनी तरफ से पूरा 100% देता रहूँगा। जब अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो मुझे यकीन है कि हो सकता है अगला सफल या अगला $1 मिलियन स्टार्टअप आपके पास से निकला हो। और यही आज का 1 मिनट विजडम है। ये विजडम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हर दिन देखने को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।